नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अक्सर पटना में किसी भी बड़े बाजार में जाने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि बाइक या कार किससे जाए कि पार्किंग की समस्या का सामना ना करना पड़े और आप बेफिक्र होकर कहीं भी अपनी गाड़ी को पार्क कर सके। हालांकि अब राजधानी पटना में गाड़ियों को लगाने के लिए आपको जगह जगह पर चक्कर लगाने की समस्या से जल्द ही निजात मिलने वाला है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 38 जगहों को स्मार्ट पार्किंग स्थल के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया गया है। इस बाबत नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हरियाणा के एक निजी कंपनी को अगले 2 से 3 दिन में इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, जिसके तहत हरियाणा की कंपनी जितनी जल्दी हो सके स्मार्ट पार्किंग स्थल विकसित करने का काम करेगी। पीएमसी को इस बात की उम्मीद है कि अगस्त के आखिर तक स्मार्ट पार्किंग सिस्टम तैयार हो जाएगा। नगर आयुक्त ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पटना में पार्किंग समस्या से निजात दिलवाने के लिए शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं में गाड़ियों की एंट्री और एग्जिट को नियंत्रित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर के साथ बैरियर होगा। गाड़ी का मॉडल और नंबर रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा और ऑटोमेटिक भुगतान की प्रक्रिया शामिल होगी। पार्किंग में बेहतर मार्गदर्शन के लिए एलईडी आधारित दिशा संकेत लगाए जाएंगे। इसके अलावा बेहतर मार्गदर्शन और पोर्टेबल केबिन, पीने का पानी और शौचालय जैसी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ई वाहन के लिए चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, लेकिन केवल उन्हीं वाहनों के लिए वो खड़े किए जाएंगे। इसके साथ ही स्मार्ट पार्किंग सिस्टम में एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन शामिल होगा, जो सवारियों को पार्किंग स्लॉट की उपलब्धता की ऑनलाइन जांच करने में मदद करेगा। इस एप्लीकेशन की मदद से निवासियों को पार्किंग स्थल, उपलब्ध स्थान, पार्किंग मार्गदर्शन के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही आप प्री बुकिंग करने के लिए पार्किंग स्लॉट को पहले ही रिजर्व कर सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का विकल्प मौजूद होगा। ज्ञात हो राजधानी पटना में गाड़ी मालिकों की संख्या काफी ज्यादा है, ऐसे में पार्किंग लॉट नहीं होने की वजह से लोगों को अपनी गाड़ियों को सड़कों के ही किनारे लगाना पड़ जाता है, जिसके कारण कई बार लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। इतना ही नहीं, अन्य लोगों को भी जाम में फंसना पड़ जाता है। इसके साथ ही लोगों के जहन में ये भी डर होता है कि कहीं आपकी अनुपस्थिति में आपकी गाड़ी उठाकर ना ले जाया जाए। लेकिन अब आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के बन जाने से गाड़ियों के पार्किंग के लिए लोगों को पर्याप्त जगह मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।